बिरसानगर पुलिस ने सोमवार को मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया। पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों के घर पहुंची और उनके घर और आसपास इश्तेहार चिपकाया। पुलिस सबसे पहले मामले के आरोपी जोन नंबर 1B संडे मार्केट के पास रहने वाले शेषदेवा उर्फ पांच भाया उर्फ बाबू उर्फ सचदेवा के घर पहुंची और इश्तेहार चिपकाने नगर थाना कांड संख्या 81/67 का अभियुक्त है जो गिरफ्तारी के डर से भागा फिर रहा है। हम लोग माननीय न्यायालय के आदेश से इश्तेहार का सामना करने आए हैं। अगर सचदेवा और बाबू न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो हम उसके घर का कुर्की जब्ती कर डालेंगे, उसके घर का तहस नहस हम लोग कर देंगे, सभी सामान को उठा के कुर्क कर देंगे। बिरसानगर थाना को सूचित करेंगे और उस अभियुक्त को भी माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करेंगे। यही यहाँ की जनता से इंस्पेक्टर बिरसानगर का निवेदन है। सर क्या मामला है सर? आज हम लोग बिरसानगर थाना पुलिस के साथ संडे बाजार में जोन नंबर 1 में बिरसानगर थाना कांड संख्या 81/23 एवं 64/23 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त पंच भैया उर्फ सचदेवा उर्फ बाबू जो कि गिरफ्तारी के डर से भागा फिर रहा है, कई बार बिरसानगर थाना पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध छापामारी की गई है, इनके द्वारा जानलेवा हमला किया गया था लेकिन गिरफ्तारी के डर से वे भाग रहे हैं। अतः माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग 9 अक्टूबर को बिरसानगर थाना पुलिस बिरसानगर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में इश्तेहार का तामला करने के लिए आई है। अगर एक महीना के अंदर बाबू पंच भैया अगर सचदेवा अगर माननीय न्यायालय में या थाना में आत्मसमर्पण नहीं करेगा तो हम उसको एक महीना के बाद उसके घर का बुलडोजर चला देंगे, उसके घर का बुलडोजर चला के नष्ट नाबूद कर देंगे, सभी सामान को कुर्क करके कुर्की जब्ती करके थाना ले जाएंगे।